हेलो फ्रेंड्स, मैं आपका दोस्त अमित चौहान स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल सक्षम एजुकेशन में। साथियों, जो आज की सीसीएस यूनिवर्सिटी की बड़ी खबर है वो मैं आपको डिटेल में बताने वाला हूं। उसमें सबसे पहला है हमारा जो बीएड वाले स्टूडेंट परेशान हैं कि उनके एग्जाम फॉर्म फिल कब से होने हैं, बीएड फर्स्ट ईयर तो उनकी डेट आ गई है, कब से एग्जाम फॉर्म फिल होने वाले हैं ये मैं आपको बताने वाला हूं। दूसरा है जो बच्चे अपने जिनका रिजल्ट आ चुका है अपने मार्क्स को लेकर परेशान है कि उनके मार्क्स कम आए हैं, तो उनके लिए सीसीएस यूनिवर्सिटी ने कुछ नियम में बदलाव किया है, वो अपने मार्क्स बढ़ा सकते हैं। अब वो कैसे बढ़ा सकते हैं तो वो भी मैं आपको डिटेल में बताने वाला हूँ। तीसरा है जो हमारे अभी एग्जाम होने वाले हैं तो उसको लेकर क्या खबर है, उस पर भी हम डिस्कस करेंगे। तो चलिए साथियों, बिना किसी देरी के करते हैं वीडियो को शुरू। साथियों, वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपसे कहूंगा कि अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, जिससे कि जो भी कोई नोटिफिकेशन हो आपको वो मिल सके। तो साथियों, सबसे पहले हम बात करते हैं बीएड टू ईयर के लिए। जिनका बीएड दो वर्ष वाला बीएड है उनका फर्स्ट ईयर वाले स्टूडेंट अपने एग्जाम फॉर्म को लेकर परेशान थे कि हमारे एग्जाम फॉर्म फिल कब से होने हैं, तो उनके एग्जाम फॉर्म फिल की डेट आ गई है, वो अपने कल से एग्जाम फॉर्म फिल कर सकते हैं। यानी कि 3 जुलाई से एग्जाम फॉर्म फिल स्टार्ट हो रहे हैं आपके और उसको आप 13 जुलाई तक भर सकते हैं। यानी कि 3 जुलाई से 13 जुलाई तक आप अपना एग्जाम फॉर्म फिल भर सकते हैं बीएड फर्स्ट ईयर। बीएड सेकेंड ईयर के ऑलरेडी एग्जामिनेशन फॉर्म ओपन है, वो अब जो उनकी लास्ट डेट थी उसको बढ़ा दिया गया था, अब वो 9 जुलाई तक है, यानी कि वो अपने एग्जाम फॉर्म 9 जुलाई तक भर सकते हैं। तो जो स्टूडेंट अपने एग्जाम फॉर्म फिल करने से वंचित रह गए हैं सेकेंड ईयर वाले, वो अपने एग्जाम फॉर्म फिल कर सकते हैं। साथियों, आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे क्षमा प्रार्थी हूँ, क्योंकि अब कॉलेज और यूनिवर्सिटी के जो एडमिशन है वो शुरू हो गए हैं, तो उसमें थोड़ा सा बिजी हो गए हैं, तो उसको लेकर जो आपके काफी सारे क्वेश्चंस मेरे से कमेंट बॉक्स में पूछे जा रहे हैं तो मैं उनका आंसर आपको नहीं कर पा रहा हूँ, लेकिन जो मैं उनको रीड करने के बाद में नेक्स्ट वीडियो में सॉर्ट आउट करने की पूरी कोशिश करता हूँ। तो उसके लिए मैं आपसे क्षमा प्रार्थी हूँ कि आपके क्वेश्चन का आंसर मैं कमेंट बॉक्स में नहीं दे पा रहा हूँ। आगे बढ़ते हैं, जो सबसे इम्पोर्टेंट आपके लिए खबर है वो उनके लिए है, बच्चों के लिए जिनका रिजल्ट आ चुका है या जिनका रिजल्ट आने वाला है और वो बच्चे अपने मार्क्स से संतुष्ट नहीं है। जो उनकी मार्क्स आए हैं एवरी सब्जेक्ट में या किसी एक सब्जेक्ट में उनका पेपर बहुत अच्छा हुआ था लेकिन उनके अकॉर्डिंग वो मार्क्स नहीं आए हैं, तो इस बार सीसीएस यूनिवर्सिटी ने फैसिलिटी कर दी है बच्चों के लिए। पहले जो रूल थे उसको चेंज किया है, उसमें परिवर्तन किया है। अब क्या रूल है नए मैं आपको डिटेल में बताता हूँ, बहुत ध्यान से सुनिएगा। अगर किसी बच्चे के किसी सब्जेक्ट में मार्क्स कम आए हैं या एक से ज्यादा सब्जेक्ट में कम आए हैं, उन्हें लगता है कि मेरे एक से ज्यादा सब्जेक्ट में 2, 3, 4 सब्जेक्ट में नंबर कम आए हैं, मेरे ज्यादा आने चाहिए थे, तो वो बच्चा अपने आरटीआई लगा सकता है। तो आरटीआई लगाने के बाद में उसको अपने जो कॉपी है उसकी कॉपी मिल जाएगी, यानी कि जो उसने एग्जाम दिया था उसकी कॉपी मिल जाएगी, वो सॉफ्ट कॉपी में या हार्ड कॉपी में फोटोकॉपी उसको मिल जाएगी। अब उसको चेक करने के बाद में अगर बच्चे को लगता है कि मेरे मार्क्स ज्यादा आने चाहिए थे, मेरे मार्क्स ज्यादा हो सकते हैं, बढ़ सकते हैं, तो वो अपना स्कूटनी भर सकता है 6 महीने के अंदर अंदर में। लेकिन जो उसे आरटीआई लगानी होगी रिजल्ट आने के 1 महीने के अंदर अंदर में उसे अपनी आरटीआई लगानी होगी कॉपी के लिए, और कॉपी जब आप उसकी कॉपी आ जाए तो उसके 6 महीने के अंदर अंदर में वो अपनी स्कूटनी लगा सकता है अपने मार्क्स बढ़ाने के लिए। उसका जो चार्ज होगा वो 3,000 रुपये होगा पर पेपर, यानी कि एवरी कॉपी जो होगी उसका जो मार्क्स के लिए जो दोबारा से कॉपी चेक कराई जाएगी रीचेकिंग के लिए वो 3,000 रुपये होगा एवरी कॉपी। अब उसमें बच्चे के अगर बच्चे के 12% 12 मार्क्स नहीं 12%, यानी कि उसके अगर 12% नंबर बढ़ते हैं, अगर उसके 12% नंबर बढ़ते हैं तो जो उसके 3,000 रुपये हैं उसको वापस कर दिए जाएंगे। अगर उसके 12% नंबर नहीं बढ़ते हैं तो वो पैसे उसके यूनिवर्सिटी में ही सबमिट हो जाएंगे, उसके पैसे नहीं वापस होंगे। दूसरा, अगर 12% से नंबर ज़्यादा नहीं बढ़ते हैं तो जो उसके पहले नंबर थे प्रीवियस नंबर थे वही रहेंगे, वो नंबर आगे उसके नहीं बढ़ेंगे। तो अगर किसी बच्चे को लगता है कि मेरे नंबर बढ़ सकते हैं 12 नंबर से ज़्यादा आ सकते हैं तो वो उसको अपनी कॉपी को निकलवा के चेक करा सकता है, उसकी स्क्रूटनी भर सकता है। अगर उसे चेक भी नहीं कराना है तो वो अपना आरटीआई लगा के उसकी कॉपी निकलवा सकता है, देख सकता है कि आपको मार्क्स कैसे मिले हैं। तो साथियों, अगर इससे रिलेटेड आपको और अधिक इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप मेरे से कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। तो साथियों, अब बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ, जिसको लेकर लाखों लाख स्टूडेंट परेशान हैं कि उनके एग्जाम होंगे या नहीं होंगे। अब ये चीज तो क्लियर हो चुकी है कि उनके एग्जाम नहीं होंगे, अब बच्चे परेशान हैं कि जो हमारे मार्क्स हैं वो कैसे आने वाले हैं। तो साथियों, जो अब बच्चों को प्रमोट किया जाएगा, चाहे वो उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से क्लियर कर दिया गया था, चाहे वो मेडिकल स्टूडेंट है, चाहे वो आपका किसी भी स्ट्रीम का है, चाहे वो आपका टेक्निकल है, नॉन टेक्निकल कोर्स है, तो सभी बच्चों को प्रमोट किया जाएगा। अब उसमें
उनका जो मार्क्स का क्राइटेरिया है वो क्या रहने वाला है, कैसे उसके मार्क्स आने वाले हैं, तो उसके लिए अभी कोई गाइडलाइंस जारी नहीं हुई है। आज गाइडलाइंस जारी होने वाली थी लेकिन अभी उस पर कोई फाइनल डिसीजन नहीं आया है सरकार की तरफ से। बाकी यूट्यूबर्स की तरह मेरे अंदर वो चीज़ नहीं है, मैं आपको गलत इन्फॉर्मेशन पहुंचाऊं, अभी तक कोई फाइनल डिसीजन नहीं आया है। जैसे ही आएगा मैं उसको तुरंत अपलोड करूंगा इसी चैनल पर, हो सकता है आज इवनिंग तक आ जाए, 1 घंटे में, 2 घंटे में, 3 घंटे में, जैसे ही आता है मैं उसके लिए वीडियो अपलोड करूंगा इसी चैनल पर, और आपको स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा कि किन किन कोर्सेज के मार्क्स किस किस तरीके से दिए जाएंगे और उनको कैसे प्रमोट किया जाएगा। तो चलिए साथियों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।